13 जून 1997, वो दिन जिस दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। उपहार कांड की क्या है कहानी, पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं 1997 के उस दौर की, जिस वक्त मल्टी स्टारर फिल्म वाडर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और लोगों का इस फिल्म को लेकर उत्साह देखने लायक था, क्योंकि ये फिल्म 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की लड़ाई से प्रेरित थी। इसीलिए हर किसी को इस फिल्म को देखने की होड़ लगी हुई थी। सिनेमा घर हाउसफुल जा रहे थे। ऐसा ही मंजर राजधानी दिल्ली के उपहार सिनेमा में भी देखने को मिला। शुक्रवार 13 जून 1997 को ग्रीन पार्क दिल्ली में उपहार सिनेमा में फिल्म बॉर्डर की 3 बजे की स्क्रीनिंग के दौरान भयंकर आग लग गई और दम घुटने से मर गए, जबकि परिणामी भगदड़ में 103 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंजर इतना भयानक था कि देखने और सुनने वालों की रूह तक कांप गई थी। सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इससे पहले आपको उपहार सिनेमा के बारे में बताते हैं कि इसका मालिक कौन था। आपको बता दें, उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल थे। इस हादसे के बाद अंसल बंधुओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उपहार सिनेमा के मालिक दो भाई गोपाल और सुशील अंसल थे, जो दिल्ली के मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी थे। आग 2 खराब ट्रांसफार्मरों की वजह से लगी थी, जिन्हें ठीक से ठीक नहीं करवाया गया था। सार्वजनिक अलार्म और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था खराब थी और केवल 2 अग्निशामक यंत्र ही उपलब्ध थे। इस घटना में किसी का बेटा नहीं रहा तो किसी ने अपने नजदीकी परिजन को खो दिया। आज भी परिवार जब उस मंजर को याद करते हैं तो सहर उठते हैं। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। इसी हादसे में नीलम कृष्ण मूर्ति ने अपने 13 साल के बेटे उज्जवल और 17 साल की बेटी उन्नति को भी खो दिया था। अब 26 साल बाद नीलम उस दिन को याद करके सिहर जाती है। घटना के बाद नीलम और उसके पति शेखर ने पीड़ितों के लिए एक एसोसिएशन भी बनाया। इन दोनों ने मिलकर अंसल बंधुओं के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। साथ ही आपको बताते चले कि इस कांड में एक किसान परिवार के 3 बेटों ने भी आग में फंसे लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। वो 3 भाई भी फिल्म देखने आए हुए थे। जिस वक्त आग लगी तो 3 भाइयों ने कहा वे अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की जान बचाएंगे, और वो ऐसा ही करने लगे। हॉल में मौजूद कई लोगों की उन्होंने जान बचाई, कईयों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद मौत की आगोश में सो गए। आज भी इस दर्दनाक मंजर को कोई भुला नहीं पाया है। आप कितना जानते थे उपहार कांड के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या जानना चाहते हैं उपहार कांड के बारे में ये भी जरूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आप तक पूरी जानकारी को पहुंचाएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।